ये है चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है बाल विकास के सिद्धांत। इसमें भी हमेशा एक या दो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले कई सालों से। तो शुरू करते हैं बाल विकास की अवधारणा। बाल विकास का सामान्य अर्थ होता है बालकों में मानसिक और शारीरिक विकास, तभी तो बच्चे का विकास होगा। विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक मतलब मेंटल डेवलपमेंट, भाषाई और धार्मिक इत्यादि होता है। सब तरह का विकास होता है। बच्चे का संबंध गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों से है, ठीक है। विकास तो दोनों से ही है, जैसे कार्य कुशलता है ये गुण है, ज्ञान है ये गुण है, तर्क है ये गुण है उसका, नवीन विचारधारा है ये गुण है। परिमाणात्मक है मतलब जो हमें दिख रहा है, जैसे लंबाई में वृद्धि, भार में वृद्धि, अथवा ये दोनों मतलब एक दूसरे से मतलब विकास के से संबंधित हैं। शिक्षकों को एक निश्चित आयु के सामान्य बालकों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिपक्वता का ज्ञान होना आवश्यक है। तो टीचर्स को ज़रूर पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है बच्चों की, किस स्टेज में होता है, जिससे वे उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करके अपेक्षित दिशा प्रदान कर सकें, जैसा वो चाहते हैं वैसे दिशा उनको दे सकें। अब है स्किनर के अनुसार, स्किनर एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा विकास एक क्रमिक और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, क्रम में चलती है लेकिन धीरे धीरे चलती रहती है। हर लोग के अनुसार क्या था, बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए रखा क्योंकि विकास के अंतर्गत इस अब बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं, मतलब समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, इसलिए बाल विकास उसका नाम दे दिया। अगर किसी एक पक्ष का होता तो हर लोग उसे कुछ एक ही नाम देते। क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। मतलब क्रो और क्रो ने कहा कि ये विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से लेकर और जब तक मैच्योर होता है तब तक मानव में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसका अध्ययन करना होता है। अब हम चर्चा करेंगे बाल विकास के सिद्धांतों की। बाल विकास का एक सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है समान प्रतिमान का सिद्धांत, तीसरा है विकास क्रम की एकरूपता, चौथा है वृद्धि और विकास की गति एक दर से नहीं रहती, विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता। सबसे पहले बात करेंगे निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता क्या होती है? सिद्धांत के अनुसार विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है, मतलब कंटिन्यू रहती है, चलती रहती है। माँ के गर्भ से ही यह प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। एक छोटे से नगण्य आकार से अपना जीवन प्रारंभ करके हम सबके व्यक्तित्व के सभी पक्ष जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि का संपूर्ण विकास इसी निरंतरता के गुण के कारण भलीभांति संपन्न कर सकते हैं। तो चलता रहेगा तभी विकास होगा, ऐसा नहीं है कि हम 10 साल में हम फिजिकली डेवलप हो जाएंगे और उसके बाद हमें किसी विकास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंटिन्यू होता रहता है। दूसरा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास और वृद्धि उसकी व्यक्तिता के अनुरूप होता है, व्यक्तिता के अनुरूप होता है। वे अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं। स्वाभाविक मतलब अपने आप, कोई प्रेशराइज होके ज़्यादा विकास नहीं होता है, मतलब नेचुरली होता रहता है। इसी कारण उसमें पर्याप्त विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, किसी के विकास की गति तीव्र और किसी की मंद होती है। अब गेसल हैं एक, उन्होंने बोला था कि दो व्यक्ति समान नहीं होते परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। बालकों में मतलब स्टेजेस जैसे सेम रहती हैं लेकिन दो व्यक्ति कोई समान नहीं हो सकते। विकास क्रम की एकरूपता, यह सिद्धांत बताता है कि विकास की गति एक जैसी ना होने तथा पर्याप्त व्यक्तिगत अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एकरूपता के दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य जाति के सभी बालकों की वृद्धि सिर की ओर प्रारंभ होती है, इसी तरह बालकों के गणात्मक और भाषा विकास में एक निश्चिंत प्रतिमान और क्रम के दर्शन किए जा सकते हैं, मतलब क्रम में एक रूपता होती है। अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं जिसमें है वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती, ठीक है। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, मतलब सारी जिंदगी विकास होता रहेगा, किंतु इस प्रक्रिया में विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं होती। जो शैशवावस्था के शुरू के वर्षों में यह बहुत तेज होती है, मतलब जब शिशु होता है, जब इन्फेंट होता है तो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, विकास करता है, परंतु बाद में यह मंद पड़ जाती है। पुनः किशोरावस्था में प्रारंभ से गति में तेजी से वृद्धि होती है परंतु यह अधिक समय तक नहीं बनी रहती। अब आप इस तरह से याद कर सकते हो कि शैशवावस्था में भी
गति से विकास होता है और फिर जब किशोरावस्था शुरू होती है तब भी एक बार शुरू में तेजी से विकास होता है, परंतु यह अधिक समय तक नहीं बना रहता। पांचवा पॉइंट है, विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। किस तरह से, चलो समझते हैं। विकास और वृद्धि की सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले उनके सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए, अपने हाथों से कुछ चीज़ पकड़ने के लिए बालक इधर से उधर हाथ मारने या फैलाने की कोशिश करता है। इसी तरह शुरू में एक नवजात शिशु के रोने और चिल्लाने में उसके सभी अंग प्रत्यंग भाग लेते हैं, परंतु बाद में विकास और वृद्धि की दर की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप यह क्रिया उसकी आँखों और वाक् तंत्र तक सीमित हो जाते हैं। मतलब उसके सिर्फ वोकल सिस्टम और उसकी आंखों से पानी निकलना दो ही चीज़ें रहती हैं, लेकिन जब बच्चा छोटा होता है तो उसके सारे हाथ पैर मुंह सब कुछ हिलता है, शरीर भी हो सकता है कप कमाने लगे। तो विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। पहले वो नॉर्मल था पर लेकिन बाद में विशेष हो गया, मतलब रोना सिर्फ आँखों और वोकल कॉर्ड तक रह गया। परस्पर संबंध का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत से प्राय है अभिप्राय क्या है, विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। इसमें से किसी भी एक आयाम में होने वाला विकास अन्य सभी आयामों से होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। मतलब अगर शरीर का विकास हो रहा है तो वो मन के विकास को प्रभावित करेगा, मन का विकास हो रहा है तो सामाजिक विकास, संवेगात्मक, उसकी भावनाओं का विकास सब जगह पर असर छोड़ेगा, तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, जिन बच्चों की औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक और सामाजिक और मतलब क्या होता है कि वो जो शरीर से ज़्यादा बढ़ रहे हैं उन उस दृष्टि से भी वो काफ़ी आगे पाए जाएंगे, जो मतलब शारीरिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से भी आगे बढ़े हुए होंगे। दूसरी ओर एक क्षेत्र में पाई जाने वाली कमियां दूसरे क्षेत्र में हो रही प्रगति में बाधक सिद्ध होती हैं। यह कारण है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में उतने ही पीछे रह जाते हैं। अब है नेक्स्ट पॉइंट, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है, विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है, मतलब वो एक सीमित होता जाता है तो एकीकरण हो रहा है वहाँ पे। इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं और कोशिकाओं को एक साथ प्रयोग में लाना सीखता है। उदाहरण के लिए, बालक पहले पूरे हाथ को फिर उंगलियों को फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। ठीक है, तो यह है एकीकरण का सिद्धांत। उसके बाद आता है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। एक बालक की अपनी वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। उदाहरण के लिए, एक बालक की कलाई की हड्डियों का एक्सरे किरणों से लिया जाने वाला चित्र यह बता सकता है कि उसका आकार प्रकार आगे जाकर किस प्रकार का होगा। तो उसके विकास की दर बता रही है ना कि उसका भविष्य कैसा होगा, हड्डी का भविष्य कैसा होगा। इस तरह बालक को इस समय की मानसिक योग्यताओं के ज्ञान के सहारे उसके आगे के मानसिक विकास के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। विकास की दिशा में विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। ठीक है, मतलब विकास की दिशा का सिद्धांत क्या है, विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है, मतलब पहले से पता होता है उस निश्चित दिशा में आगे बढ़ेगी। विकास की प्रक्रिया की यह दिशा व्यक्ति के वंशानुगत मतलब हेरिडिटी वातावरण जन्य कारकों से प्रभावित होती है। ये भी हमें पता है कि वो या तो हेरिडिटी पे या फिर एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। इसके अनुसार बालक सबसे पहले अपने सिर और हाथों की गति पर नियंत्रण करना सीखता है, अपना सिर और हाथ दोनों चीज़ें, और इसके बाद फिर टांगों को। इसके बाद ही वह अच्छी तरह बिना सहारे के खड़ा होना और चलना सीखता है। 10th पॉइंट है, विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये पूछ सकते हैं कि विकास सीधा होता है, लंबवत होता है या वर्तुलाकार होता है। बालक का विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है, वह एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता, मतलब एक जैसी सीधी गति सीधी सीधी नहीं चलती बल्कि आगे बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और स्थायी बनाते हुए वर्तुलाकार आकृति की तरह आगे बढ़ता है। किसी अन्य अवस्था में वह तेज़ी से आगे बढ़ते हुए उसी गति से आगे नहीं जाता। ठीक है, मतलब एक बार तेज़ी से जाएगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आगे भी तेज़ी से ही जाएगा, बल्कि अपनी विकास की गति को धीमा करते हुए वर्षों में विश्राम लेता हुआ प्रतीत होता है, ताकि प्राप्त वृद्धि और विकास को स्थायी रूप दिया जा सके। 11th पॉइंट है, आंशिक पुनर्बल का सिद्धांत। आंशिक पुनर्बल क्या होता है, इसके प्रतिपादक जॉन
डोलार्ड नील मिलर हैं। पुनर्बलन से तात्पर्य यह है कि किसी रिस्पॉन्स को बार बार दोहराने की संभावना का बढ़ना, ठीक है, ये होता है पुनर्बलन। यह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, ठीक है, चूँकि पुनर्बलन के माध्यम से नवीन प्रक्रियाओं को भी जन्म मिलता है। 12th पॉइंट है, वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुगत और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। मतलब इन दोनों का रिजल्ट है कि हेरिडिटी कैसे होगी, एनवायरनमेंट कैसा होगा, समाज का या फिर फैमिली का। बालक की वृद्धि और विकास को किसी स्तर पर अनुवांशिक और वातावरण दोनों की देन माना गया है। दूसरे शब्दों में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम जहां आधार का कार्य करता है, वहां वातावरण इस आधार पर बनाए जाने वाले व्यक्तित्व संबंधी भवन के लिए आवश्यक सामग्री एवं वातावरण जुटाने में सहयोग देता है। अतः वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं में इन दोनों को समान महत्व दिया जाना आवश्यक हो जाता है। अब हम बात करेंगे बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व, इनका शिक्षा में क्या महत्व है। बाल विकास के सिद्धांतों के ज्ञान के फलस्वरूप शिक्षकों को बालकों की स्वभावगत विशेषताओं, रुचियों, क्षमताओं के अनुरूप सफलतापूर्वक अध्यापन में सहायता मिलती है। ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम टीचर को ज्ञान होगा तो तभी तो वो उनकी विशेषताओं और क्षमताओं की अध्ययन कर पाएगा, उसकी रुचियों को बढ़ावा दे सकेगा, ठीक है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से वृद्धि एवं विकास के मनोविज्ञान सिद्धांतों पर आधारित है। बाल विकास के सिद्धांतों से हम यह जानकारी मिलती है कि विकास की किस अवस्था में बालकों को सीखने की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है। यह उचित शिक्षण विधि अपनाने में शिक्षकों की सहायता करती है। मतलब शिक्षण की जो तरीके होते हैं वो भी टीचर को पता चलते हैं कि उनकी प्रवृत्ति किस तरह की होगी इस उम्र में और कौन से हमें तरीके अपनाने चाहिए। बालकों की वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से बालकों की भविष्य में होने वाली प्रगति का अनुमान लगाना काफ़ी हद तक संभव हो जाता है। मतलब हमें उन बालकों के भविष्य का भी पता चल जाता है कि वो किस तरह की रुचि रखते हैं और क्या इनका भविष्य होगा। इस तरह बालक विकास के सिद्धांतों की जानकारी बालकों के मार्गदर्शन, परामर्श और निर्देशन में सहायक होकर भविष्य निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाती है, ठीक है। टीचर को पता होगा, उनको मार्गदर्शन देगा, परामर्श देगा, निर्देश देगा और भविष्य बनाने में उसकी मदद करेगा। भविष्य और विकास की सभी दिशाएं अर्थात पहलू जैसे मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास तथा परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। इस बात का ज्ञान शिक्षकों तथा अभिभावकों को बालकों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। उनका पूरा तरह विकास होना चाहिए, पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए, टीचर्स को भी पता हो जाना चाहिए ताकि उनका पूरी तरह से विकास हो। तो ये सिद्धांतों का महत्व है। बाल विकास के सिद्धांतों के ज्ञान से बालक की रुचियों, अभिवृत्तियों, क्षमताओं इत्यादि के अनुरूप उचित पाठ्यक्रम के निर्माण और समय सारणी के निर्माण में सहायता मिलती है। ये वही पॉइंट है जो बदल के लिखा गया है यहाँ पे दूसरे शब्द। उसके बाद आता है बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उसके व्यवहार की जानकारी शिक्षकों को हो और बालक के व्यवहार के बारे में जानने के बाद उसकी समस्याओं का समाधान करना भी आसान हो जाता है। अब पता ही नहीं होगा अगर टीचर्स को कि इस उम्र में क्या क्या दिक्कत होती है, किस तरह का उसका व्यवहार होना चाहिए, तो वो उसकी समस्या का समाधान कैसे करेगा, ठीक है। इसीलिए ये सिद्धांत जरूरी है। बाल विकास का अध्ययन शिक्षकों को इस बात की स्पष्ट जानकारी दे सकता है कि बालकों की शक्तियाँ, योग्यताएँ, क्षमताएँ और व्यवहार और व्यक्तिगत गुणों के विकास में अनुवांशिक और वातावरण किस सीमा तक किस रूप में उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं। यह जानकारी शिक्षक को उसके अपने उत्तरदायित्व का सही ढंग से पालन करने में सहायक होती है, ठीक है। तो टीचर्स कई बार ये भी पता करते हैं कि बच्चे के पेरेंट्स क्या करते हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, तो इस तरह से वो उसकी हेल्प में ज़्यादा मददगार हो सकते हैं। किस अवस्था विशेष में बालक के विकास का क्या सामान्य सत्र होना चाहिए, इस बात के ज्ञान से अध्यापक को अपने शिक्षण के उचित नियोजन में पूरी सहायता मिलती है। विकास सत्र की दृष्टि से वह बालकों को सामान्य, अति सामान्य और सामान्य से नीचे जैसी श्रेणी में विभाजित कर सकता है। बच्चों को अलग अलग स्पेशल क्लासेस दे सकता है, ठीक है, इस तरह से अलग करके, तथा फिर उनकी शिक्षा और समायोजन व्यवस्था को उन्हीं के उपयुक्त रूप से ढालने का प्रयत्न करता है ताकि उनका पूरी तरह से विकास हो सके। मतलब टीचर्स कहीं पर कोताही ना बरते कि किस लेवल के बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है। और आजकल तो फैशन हो गया जैसे स्कूल्स में भी कि ABC सेक्शन बना देते हैं, जो जिनका IQ लेवल, जिनका बैकग्राउंड अच्छा है या फिर जिनका एनवायरनमेंट अच्छा मिला हुआ है पढ़ने के लिए, उन बच्चों को ए सेक्शन में डाल देते हैं या फिर सी सेक्शन में डाल देते हैं। इस तरह का प्रावधान, इस तरह की जो ये कार्य प्रणाली है, ये इसी बेस पे की गई है कि बच्चों की उनके जो लेवल है उसको बढ़ाया जा सके।
उन कारकों की बात करेंगे जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों ने विद्वानों ने दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक कारक और बाह्य कारक। ठीक है, आंतरिक कारक होते हैं वो क्या होते हैं, जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, कुछ हद तक प्रभावित करते हैं बच्चे के विकास को, जो कि उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार निर्मित करते हैं। आंतरिक कारक कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे वंशानुगत कारक, वही हेरिडिटी वाला, फिर शारीरिक कारक, शरीर का किस तरह से बड़ा वृद्धि हो रही है, फिर बुद्धि का, फिर संवेगात्मक, उसके जो इमोशंस हैं वो किस तरह के हैं, और फिर सामाजिक प्रवृत्ति, उसका समाज का क्या रवैया है। सबसे पहले पढ़ते हैं वंशानुगत कारक। वंशानुगत कारक क्या होते हैं, बालक के रूप, रंग, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि के निर्धारण में उसके वंशानुगत कारण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बालक के आनुवांशिक गुण उसकी वृद्धि और विकास को भी प्रभावित करते हैं। ये पीछे बहुत बार रिपीट हो चुका है कि जो हेरिडिटी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है बच्चे के विकास में। फिर है शारीरिक कारण, जो बालक जन्म से ही दुबले पतले, कमज़ोर, बीमार तथा किसी प्रकार की शारीरिक समस्या से पीड़ित रहते हैं, उनकी तुलना में सामान्य और स्वस्थ बच्चों का विकास अधिक होता है। ठीक है, शारीरिक कमियों का स्वास्थ्य पर ही नहीं अपितु बुद्धि और विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। कई बार किसी दुर्घटना के कारण भी शरीर को क्षति पहुँचती है, हानि पहुँचती है, इस क्षति का बालक के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो बच्चे का मतलब शरीर सही होना चाहिए, चाहे वो बीमारी से ही हो, चाहे किसी और से ही, किसी एक्सीडेंट से ही हो, वो चीज़ें नुकसान करती हैं। फिर बुद्धि की बात करते हैं, बुद्धि को अधिगम की योग्यता, समायोजन योजना योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में परिभाषित किया गया है। तो जब भी बुद्धि की बात आए, मतलब सीखने की बात आएगी वहाँ पे, और समायोजन मतलब किस तरह से बच्चा उसकी योग्यता, उसको चीज़ों को अपने तरीके से ढालना या समस्याओं को सुलझाना, निर्णय लेने की क्षमता, ये सब बुद्धि से ही रिलेटेड है। जिस प्रकार बालक के सीखने की गति अधिक होती है, उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा सीखेगा उसका दिमाग भी उतना ही बढ़ेगा। बालक अपने परिवार, समाज और विद्यालय में अपने आप को किसी तरह समायोजित मतलब एडजस्ट करता है, उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। ठीक है, फिर है संवेगात्मक कारक, जैसे इमोशंस, जिस रूप में विकास होगा उसके शारीरिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक और भाषा संबंधी विकास को पूरी तरह प्रभावित करने में की क्षमता रखता है। यदि बालक अत्यधिक क्रोधित या भयभीत रहता है अथवा उसमें ईर्ष्या और वैमनस्य की भावना अधिक होती है, तो उसके विकास की प्रक्रिया पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। तो बच्चे को खुश रहना चाहिए और पेरेंट्स को भी उसकी मदद करनी चाहिए। संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं दे पाते, फलस्वरूप उनका मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। सामाजिक प्रगति क्या होती है, बच्चा जितना अधिक सामाजिक रूप से संतुलित होगा, उसका प्रभाव उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भौतिक, भाषा संबंधी विकास पर उतना ही अनुकूल पड़ेगा। सामाजिक दृष्टि से कुशल बालक अपने वातावरण से दूसरों की अपेक्षा अधिक सीखता है। मतलब हमारा समाज अगर सही है, सही ढंग से चल रहा है, तो बच्चे को भी उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर है बाह्य कारक। बाह्य कारक को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस इन सिंपल स्टेप्स।